हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन बताऊंगा जो आपको अंडर 20,000 रुपीज में देखने को मिलेंगे। और जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूं दोस्तों, इसमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको जो फीचर दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया है, जिसमें आपको 778 स्नैपड्रैगन गेमिंग प्रोसेसर, 6.78 इंच तक की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा क्वालिटी, बिग बैटरी बैकअप के साथ में फास्ट चार्जिंग और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर भी मिल जाएंगे। और इन सारे फोन्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके इसको परचेस कर सकते हैं या इसके बारे में और भी जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है जो आज के इस लिस्ट में आते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो पांचवें नंबर पर स्मार्टफोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से है, और इसमें आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो भी बहुत ही बढ़िया है, और उसके साथ में जो बाकी के फीचर है वो भी बढ़िया देखने को मिलते हैं। और ये इन्फिनिक्स जीरो टर्बो 5G स्मार्टफोन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले, जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 10806nm 5G प्रोसेसर, XOS 12 बेस्ड ऑन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोटेस A78 CPU, माली G68MC 4 GPU, LPDDR4X RAM टाइप, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप, 5000mAh की एक बिग बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 50MP प्लस 2MP प्लस 2MP ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी, और इसके रियर कैमरे से 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे से फुल HD वीडियो 30fps तक शूट भी कर सकते हैं। उसी साथ में इसमें साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम भी मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 8GB 256GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है 19,999 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, उसी के साथ में जिस प्राइस सेगमेंट में आपको जो रैम और स्टोरेज इसमें मिल रहा है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। इसमें जो कैमरा दिया गया है, जो बिग बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग है, ये सारे फीचर भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी नहीं दिया गया है, उसी साथ में साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है, और इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको पांचवें नंबर पर रखा है। ओवरऑल दोस्तों अगर आपको इन्फिनिक्स का फोन पसंद आता है तब आप इसको ले सकते हैं, फीचर वाइज ये भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो चौथे नंबर पर स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से है, और इसमें भी आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो डिस्प्ले दिया गया है, जो बाकी के फीचर है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। और ये रियलमी नार्जो 50 Pro 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, मीडियाटेक डायमेंसिटी 926nm 5G प्रोसेसर, रियलमी UI 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोटेस A78 CPU, माली G68MC 4 GPU, LPDDR4X RAM टाइप, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप, 5000mAh की एक बिग बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी, और इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से आप फुल HD वीडियो 30fps तक शूट कर सकते हैं। उसके साथ में इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर और 3.5mm ऑडियो जैक के साथ में 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है 17,980 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो डिस्प्ले दिया गया है, जो बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग है, जो कैमरा है, ये सब कुछ तो आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन इसमें आपको 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि और भी बेहतर हो सकता था। उसी के साथ में इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे छोटे मेजर कॉन्स कुछ देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोस्तों इस प्राइस रेंज पे ये भी आपको बहुत ही बढ़िया गेमिंग फोन देखने को मिल जाता है रियलमी की तरफ से। बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से है। अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ में बेस्ट डिस्प्ले फोन या बेस्ट कैमरा फोन लेना चाहते हैं, कहने का मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तब आप इसको ले सकते हैं। और ये सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, मीडियाटेक डायमेंसिटी 906nm 5G प्रोसेसर, One UI 5.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोटेस A78 CPU, माली G68MC 4 GPU, LPDDR4X RAM टाइप, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप,
5000 mAh की एक बिग बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग, 108MP + 8MP + 2MP + 2MP क्वाड कैमरा सेटअप, 32MP सेल्फी, और इसके रियर कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे से भी आप 4K वीडियो 30fps तक शूट कर सकते हैं। उसके साथ में इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट 21,999 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो डिस्प्ले दिया गया है, जो कैमरा देखने को मिलता है, जो परफॉर्मेंस है और जो बैटरी बैकअप है, ये सब कुछ इस प्राइस रेंज पे आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, उसके साथ में 25W का ही फास्ट चार्जिंग है जो कि और भी बेहतर हो सकता था, और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस पर ऑफर्स को अप्लाई करते हैं तो इस पर आपको 1600 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है बैंक ऑफर्स पर, तब इसकी प्राइस आपको 20,400 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस प्राइस रेंज पे भी आपको बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है सैमसंग की तरफ से। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन आता है मोटरोला की तरफ से है। तो अगर आप एक क्लीन एक्सपीरियंस के साथ में बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं, मोटरोला S35G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस 144Hz रिफ्रेश रेट वाली एमलेट S10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस 6nm 5G प्रोसेसर, स्टॉक एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर्टेक्स A78 CPU, आर्डिनो 642L GPU, LPDDR5 RAM टाइप, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप, 4030mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 50MP + 50MP + 2MP ट्रिपल रियर कैमरा, 32MP सेल्फी, और इसके रियर कैमरे में आपको YS और EIS दोनों दिए गए हैं, जिससे आप 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे भी आप 4K वीडियो 30fps तक शूट कर सकते हैं। उसी के साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है, और 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है 22,999 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कैमरा दिया गया है और जो डिस्प्ले है, ये सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर भी दिए गए हैं, लेकिन इसकी जो बैटरी बैकअप है आपको 4030mAh की है, तो यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी छोटी है, और इसकी जो प्राइस है वो भी आपको 23,000 के अराउंड देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ऑफर्स को अप्लाई करेंगे तो इस पर भी आपको 1500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको 21,500 के अराउंड देखने को मिलेगा, और उस प्राइस सेगमेंट में आपको बेस्ट कैमरा गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है मोटरोला की तरफ से क्लीन एक्सपीरियंस के साथ में। तो फाइनली दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक पे स्मार्टफोन आता है आइको की तरफ से है, और इसमें आपको जितने भी फीचर दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया है, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे डिस्प्ले की बात करें, चाहे कैमरे की बात करें, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है, और यह आइको Z6 Pro 5G। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली एमलेट HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G, 6nm 5G प्रोसेसर, फ्रंट टच 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर्टेक्स A78 CPU, आर्डिनो 642L GPU, 4700mAh की बैटरी, 66W फास्ट चार्जिंग, 64MP + 8MP + 2MP ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी, और इसके रियर कैमरे में आपको EIS मिल जाता है, जिससे आप 4K वीडियो 30fps पे और फ्रंट कैमरे से आप फुल HD वीडियो 30fps तक शूट कर सकते हैं। इसके साथ में इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम भी मिल जाते हैं, और 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट है 22,999 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो डिस्प्ले दिया गया है, जो कैमरा है, जो बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग है, ये सब कुछ आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता है, और 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट है जो कि और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन दोस्तों इसकी भी प्राइस आपको 23,000 रुपये देखने को मिलती है, लेकिन अभी आपको SBI क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 20,000 रुपीज में देखने को मिल जाता है, और अंडर 20,000 रुपीज में सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है आइको की तरफ से। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।